बिग वॉर्म वेलकम हमारे सारे व्यूअर्स को। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर हैं, उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश के लिए डेब्यू किया 2018 में, रणजी ट्रॉफी खेले। उसके बाद उन्होंने 2019 में इंडिया इंडिया ग्रीन के लिए के लिए सिलेक्ट हुए, दियोदर ट्रॉफी में खेले। 2019 दिसंबर में इंडिया अंडर 19 के कप्तान बने। बिग वेलकम मिस्टर प्रियंकर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अर्जुन भाई। मैं आपका होस्ट अर्जुन, आज हमारा चौथा शो है क्रिक्स टीम लाइव। हम जो आपके जो आप आपके सामने हम जो आ रहे हैं, हमें आज मौका मिला है प्रियंकर से बात करने का। प्रियम जी, कुछ शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए। अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सेफ रहे, घर पर रहे, तो यही बोलना चाहूंगा अभी व्यूअर्स से कि जितना अपने घर पर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे और उतना हमारी कंट्री जल्दी इस लॉकडाउन से खुल सकेगा। थैंक यू प्रियम, थैंक्स अ लॉट शो पे आने के लिए एक और बार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें पता है एक क्रिकेटर के सक्सेस के लिए उनका फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप अपने फैमिली में बताइए, किसने किसने आपको सपोर्ट किया सबसे ज्यादा, और आप किसको थैंक करना चाहेंगे आज जहाँ पर आप हैं, जिस मुकाम पर, उसके लिए आप किसको थैंक करना चाहेंगे फैमिली? वैसे स्टार्टिंग में तो मेरे मम्मी ने मुझको बहुत सपोर्ट किया, और फिर जैसे जैसे मैं खेलता रहा फिर मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगी, और अभी तो मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए। वो मुझे हमेशा मेरे लिए रेडी रहते कि मुझे कुछ भी, अगर जो मुझे कुछ भी नीड हो तो वो मेरे लिए हमेशा रेडी रहते कि मैं इसको दे सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और क्यों ना करें। आपके जो आपको जो सक्सेस मिले हैं क्रिकेट में वो कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़े बड़े सक्सेस हैं। आपने हर 6 महीने में प्रोग्रेस देखा है अपने अपने क्रिकेट में, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि आपकी माँ ने आपको सबसे पहले सपोर्ट किया, उसके बाद आप पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपके जब आप बचपन में आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप जैसे हम सबके आइडल होते हैं, सचिन हो गए, कोहली जी हो गए, सहवाग हो गए, आपके आपके आइडल कौन थे? सचिन सर ही थे मेरे आइडल, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तो हमारे साथ पास में ही एक टीवी था, वहां पर मैं जाता था उनको मैचेस देखने, उनके पास में ही, तो मैं उन्हीं को देखता था खेलते हुए, तो उन्हीं के जैसा खेलना चाहता था कि मैं इनके जैसे खेलूं। घर पर थोड़ा कॉपी करना चाहता था उनको, पर कॉपी कर नहीं पाता था कभी, और उन्हीं को देख देख के मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो वही मेरे आइडियल थे, मैं उन्हीं को मतलब फॉलो करता था हमेशा। बिल्कुल। और आपको आपको कब ये एहसास हुआ कि आप यू नो हाईएस्ट लेवल पे खेल सकते हैं? ये बड़ा जरूरी होता है एक एक क्रिकेटर के लिए, वो फीलिंग आना कि हाँ यार मैं बना हूं उस लेवल के लिए, आपको कब लगा ये? नहीं, मैं बचपन से खेलता था, सब बोलते थे कि मुझको, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता था कि मुझको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसे आगे खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ पता ही नहीं था कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। जब मैं अपने घर पर या पास में एक पार्क था वहां पर खेलता था, फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, फिर मुझे मेरे मामा थे उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया अकेडमी ज्वाइन कराया उन्होंने मुझको, मैं मेरठ जाने लगा, फिर मुझको वहाँ थोड़ा नॉलेज हुई कि कैसे कैसे खेलना है, स्टेट के लिए पहले सिलेक्ट होना है, फिर उसके बाद कंट्री के लिए सिलेक्ट होना है, तो मुझको थोड़ा आइडिया होने लगा। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम अपने स्टेट के, वैसे तो सबका मेरा एक ही मोटिव था कि मैं इंडिया के लिए खेलना है, जब मैं स्टार्टिंग से क्रिकेट खेलने गया मुझको स्टेट और ये सब नहीं पता था, मुझको सिर्फ पता था कि मुझको इंडिया खेलना है बस। तो फिर जब मैं स्टेट खेला तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, मैं भी स्टेट में हूँ, मुझे स्टेट के लिए परफॉर्म करना है, स्टेट को जिताना। फिर जैसे जैसे मैं आगे गया अंडर 16, अंडर 19, फिर अंडर 19 इंडिया खेला, तो मुझको जब मैं अंडर 19 इंडिया खेला तो फिर मुझको लगने लगा कि अभी मुझको बहुत जल्दी इंडिया मिलने वाली है। बहुत बढ़िया। तो आप अभी अपने जूनियर क्रिकेट के बारे में भी बताएं, आप उत्तर प्रदेश के लिए खेले, अंडर 15, अंडर 16 वगैरह खेले, ये क्या पाथवे क्या है इंडियन टीम के लिए, और आपका आपकी जर्नी कैसी रही है जूनियर क्रिकेट के थ्रू जो आप ऊपर आए हैं? मुझे लगता है कि किसी भी बड़े प्लेयर के लिए जूनियर क्रिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे मिला जूनियर क्रिकेट से वो बहुत जरूरी था किसी भी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि एक बोर्ड क्रिकेट भी एक प्रेशर गेम होता है, जितना आप कंट्री के लिए खेल रहे हो उतना ही प्रेशर आपको बोर्ड क्रिकेट में होता है, क्योंकि नॉर्मल लेवल पर आप जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते इतना प्रेशर नहीं होता,
आपके ऊपर, पर आप जैसे स्टेट के लिए खेलते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, पर आप जो आपकी ग्रोथ एज है उसी में आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीख गए तो आपके लिए इजी हो जाता है इतने अच्छे लेवल पर। जैसे मुझे हुआ अंडर 14, जब मैं खेला मैं इतना मैच्योर नहीं था, पर जब मैं अंडर 14 खेला तो मुझे मैच्योरिटी आने लगी कि मुझे आगे खेलने के लिए ये सब करना होगा। फिर मैं अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला, तो मुझको इतना हार्ड नहीं लगा कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं हो सकता जो होता है नॉर्मली, कि अगर जो डायरेक्ट आप रणजी ट्रॉफी अंडर 19 खेलो तो आपको लगता है। इसलिए अंडर 14 अंडर 16 जूनियर क्रिकेट बहुत ही जरूरी है अच्छे प्लेयर्स के लिए और जूनियर प्लेयर के लिए, क्योंकि वो क्या होता है ग्रोथ एज होती है सीखने के लिए, तो आप उसमें जितना अच्छे से सीख सकते हो इतना अच्छा आप 19 या रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें आप गलतियां कम कर सकते हो। इसमें क्या है आप गलतियां भी करोगे तो आप सीख सकते ज्यादा। तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी प्रिपरेशन में क्या फर्क होता था जो आप, आपका जो राइज है वो एक मामूली राइज नहीं है, आपने आते ही दोहरा शतक मारा रणजी में त्रिपुरा के अगेंस्ट, आपने हर जैसे ही आपको चांस मिला आपने परफॉर्म किया है, आपकी प्रिपरेशन में क्या फर्क होता था जूनियर क्रिकेट में? आप जो आसपास लोगों को देखते थे आप क्या ऐसा करते थे कि आपको ये सक्सेस मिला? नहीं, प्रिपरेशन क्या थी, प्रिपरेशन एक सोच है, प्रिपरेशन आप जैसे सोचोगे वैसी होगी। तो मैं जैसे सोचता था कि मुझको अभी नेक्स्ट लेवल जाने के लिए क्या हार्डवर्क करना जरूरी है, सबसे पहले तो मुझे लगा जब मैं अंडर 14 पहली साल फर्स्ट ईयर खेला तो मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था अपनी लाइफ को लेकर, मतलब अपने क्रिकेट को लेकर, मैं हार्डवर्क करता था, फिटनेस को लेकर इन्वॉल्व नहीं होता था अपने आप को लेकर, ना मेंटली स्ट्रेंथ को लेकर। फिर तो जैसे मैं खेला मुझे लगा कि ये सब चीज बहुत जरूरी है मेरे लिए, जैसे जैसे मैं खेला औरों के साथ, सबके सीनियर्स के साथ खेला, अंडर 16 खेला, फिर फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम अंडर 16 में डबल 100 बनाया, मुझे लगने लगा कि अभी अगर जो आपको ऊपर क्रिकेट खेलनी है तो आपको बड़े रन बनाने होंगे, तो मुझे वो आइडिया हो गया मतलब डबल 100 का। फिर मैंने अंडर 16 में डबल 100 बनाया, 19 में बनाया, फिर रणजी ट्रॉफी में बनाया, तो मुझे जब मैंने रणजी ट्रॉफी में मैं 100 रन पर था, सो मतलब कि 105 या 106 पर, तो मुझे एक बार फील हुआ ऐसा कि मैंने यार फर्स्ट क्लास में भी सेकंड 100 है मेरा, मैंने डबल 100 नहीं किया। फिर मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ उसके बाद कि मैं डबल 100 नहीं कर सकता या मैंने सोचा कुछ, मैं जैसे नॉर्मली खेल रहा था तो मुझको फील हो रहा था कि मैं डबल 100 इजी बना सकता हूँ। तो ये भी, और एक प्रिपरेशन क्या है कि प्रिपरेशन ये है कि आपको क्या नीड है। अभी मैं अंडर 14 हूँ, अंडर 16 हूँ, अंडर 19 हूँ, तो मुझको अभी इस लेवल के लिए क्या परफेक्ट करना होगा अपने स्किल्स लेवल पर, अपने फिटनेस लेवल पर, अपने मेंटली स्ट्रेंथ पर, उसके लिए क्या इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपको हर लेवल पर जाने के लिए इम्प्रूव करना होगा डे बाय डे। आप एक एक स्किल पे या एक मेंटली स्ट्रेंथ पर या एक फिटनेस लेवल पर नहीं रुक सकते, तो आपको रोज इम्प्रूव करना होगा, रोज सीखना होगा डे बाय डे, कि आज मैंने क्या किया उससे सीखना होगा और मुझे कल क्या करना उसके लिए करना होगा। तो मेरे लिए मेरी प्रिपरेशन ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्क करता था हमेशा और मैं सीखता था रोज, तो मेरे लिए वो बहुत इजी हो जाता था मेरी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं सीखता था कि मुझे आज मैंने क्या इम्प्रूव किया, आज मैंने क्या अच्छा सीखा, तो उसको मैं हमेशा सोचता था और फिर अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करता था प्रैक्टिस में, फिटनेस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। बहुत सही बात आपने बोली प्रेम जी, जो आपने डे बाय डे उसको ब्रेक डाउन कर दिया और डे बाय डे आप जो आपने जिस फोकस से जो काम किया है, आई थिंक ऐसी ही प्रिपरेशन है जिससे आप इंडिया के लिए खेल सकते हैं, जहाँ पे 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लाखों लोग इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग है। बाकी आपकी ट्रेनिंग और फिटनेस के ऊपर आपने टचअप किया, तो आपकी ट्रेनिंग और फिटनेस क्या, आपका डे टू डे रूटीन क्या होता ट्रेनिंग के लिए, क्या करते थे आप? मैं डे टू डे नहीं करता था, मैं पहले क्या करता था सिर्फ रनिंग करता था स्टार्टिंग में, जब मैं अंडर 16 खेला था फर्स्ट, मतलब अंडर 14 फिर अंडर 16 फर्स्ट टाइम, मुझको इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। फिर मैं अंडर 16 जब फर्स्ट टाइम NCAA ZCA गया, जोनल कैंप अटेंड किया मैंने, तो वहां मुझको पता चला कि मुझको किस चीज पर वर्क करना चाहिए या फिर इस चीज का क्या फायदा हो सकता है। वहां पर जो स्ट्रेंथ कंडीशन के कोचेस थे, स्टाफ था और फिजियो थे मेरे, उन सब ने मुझको ये नॉलेज दी कि मुझको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझ में जितनी स्ट्रेंथ थी वो कम थी नेक्स्ट लेवल के लिए, स्टेमिना अच्छा था पर स्ट्रेंथ कम थी, फिर मैंने उस पर वर्क किया और वो फिर मुझको क्या हुआ, हर साल हर मंथ हर वीक का मुझको वहां से प्रोग्राम मिलने लगा NCAA से,
कि आपको आपकी ये इस साल ग्रोथ हुई है तो आपको इस साल ये इम्प्रूव करना होगा और आपको ये आपका मंथली ये वीक का प्रोग्राम है, आपको इस पर वर्क करना होगा। जी जी बहुत बहुत बढ़िया। ये उत्तर प्रदेश, हमें पता है कि कितने बड़े बड़े प्लेयर उत्तर प्रदेश से निकले हैं, मोहम्मद कैफ हो गए, पीयूष आवला, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, रायना, भुवनेश्वर कुमार, ये लोग आगे जाके इंडिया के लिए खेले, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो आपके हिसाब से यूपी के स्क्वाड में आना, रणजी स्क्वाड में आना कितना कितना मुश्किल है, और आप इस प्रेशर से कैसे आप कैसे हैंडल कर रहे हैं ये प्रेशर को, जो आप यूपी के लिए खेल रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज खेले हैं यूपी के लिए? मैंने कभी इसको ना मुश्किल नहीं समझा, मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी समझा, क्योंकि मुझको अगर जो इंडिया खेलना है तो इंडिया में और ज्यादा टफ कंपटीशन होगा। तो अभी आप विराट कोहली है, रोहित शर्मा, ये सब है ना, तो आपको इंडिया खेलना है तो सबके साथ ही खेलना होगा। तो फिर और ये एक अच्छी चीज है आपके लिए कि आपके साथ अपने आपके सीनियर्स हैं, तो आप अपने सीनियर्स के साथ खेलो और उनसे सीखो, क्या सीख सकते हो कि उनका कैसे माइंडसेट रहता है, एक टफ सिचुएशन में वो क्या सोचते हैं और वहां से वो कैसे निकलते हैं, उसको वो क्या प्लान करते हैं, तो वो अच्छी चीज है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने सीनियर्स के साथ कैंप किया था तो मैंने यही सब सीखा कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती थी और वो डिसिप्लिन रहते थे हर चीज को लेकर, और वो हमेशा हर कंडीशन को एंजॉय करते थे। तो ये बहुत प्लस पॉइंट था मेरे सीनियर्स के साथ मैंने जब किया। और जब मैंने फर्स्ट, हमारे यहाँ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, वहाँ पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते थे, जब मैं बहुत छोटा सा था ग्राउंड में जब जाता था प्रैक्टिस करने तो वहाँ रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते थे। तो यूपी का मैच हुआ था, यूपी और कर्नाटक, तो यूपी से सब थे ये प्लेयर्स, तो मैं भी ये सोचता था कि यार ये सब हार्डवर्क, जैसे वो प्रैक्टिस करते थे, प्रिपरेशन करते थे जब से, कि ये हार्डवर्किंग है और हमको भी यही सब करने के, यहाँ पर आने के लिए ये सब करना होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सीनियर्स के साथ खेलें, उनसे सीखें। जी बिल्कुल प्रियम, बिल्कुल। आजकल के जो क्रिकेटर हैं उनको T20 बड़ा पसंद है, ओडीआई बड़ा पसंद है, आपको कौन सा फॉर्म ऑफ क्रिकेट पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है, और आपके क्या गोल्स हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए? मैं कंट्री के लिए टेस्ट खेलना चाहता हूँ, टेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ। जी आज, और ये अमेजिंग चीज है प्रियम प्रियमगर, कि आजकल हमारे जो यंग क्रिकेटर्स भी हैं, आई थिंक कोहली ने जो एग्जांपल सेट किया है विराट भाई ने, कि टेस्ट क्रिकेट सबसे सबसे ऊपर है, और वो जब भी मीडिया में भी आते हैं तो इस पे बड़ा फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना इस पे यंग क्रिकेटर आपके जैसे उन पे इम्पैक्ट पड़ा है, समझने के लिए कि टेस्ट क्रिकेट की का जो महत्वपूर्ण है वो कितना 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 ज्यादा है? हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, जैसे मुझे लगता है कि मैं टेस्ट प्लेयर अच्छा बन सकता हूँ, कोई सोचता है कि मैं T20 अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ, कोई सोचता है मैं वनडे प्लेयर अच्छा बन सकता हूँ। क्या होता है कि वो अपने आप को उसी हिसाब से प्लान करता है, उसी हिसाब से होती है। पर मुझको लगता है कि आपको टेस्ट प्लेयर बनना जरूरी है एक प्लेयर को, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है वो अभी भी बहुत ऊपर है हर क्रिकेट से। तो मुझे लगता है कि टेस्ट प्लेयर इज ए गुड, क्योंकि अगर जो आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको टेस्ट प्लेयर अच्छा बनना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आपको जैसे कि आईपीएल में आजकल बड़ा ही कहते हैं कि हो गया है कि आप आईपीएल खेलिए तो इंडिया का सीट तो मिल ही जाएगा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, और आपको लगता है कि जरूरी है आईपीएल में खेलना इंडिया तक पहुंचने के लिए, और आपके क्या गोल? नहीं, मेरा सिर्फ थिंकिंग रहती है कि जिस चीज को मैं खेल रहा हूँ सिर्फ उसको एंजॉय करूँ। अभी मैंने डोमेस्टिक खेला, रणजी ट्रॉफी खेला, मुझको जो मिला मुझे लगा कि मुझे इनमें परफॉर्म करना है, जो भी मुझे मिलेगा मुझे उसमें परफॉर्म करना है, और इंडिया खेलना ना खेलना मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ में मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूं, अच्छी प्रिपरेशन करूं और हमेशा रिजल्ट दूं, कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें हमेशा पॉजिटिव रहे मेरा रिजल्ट, कि मैं परफॉर्म करूं जिसके लिए मैं हार्डवर्क कर रहा हूं। तो अभी जैसे मैं आईपीएल खेलने वाला था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये भी एक अच्छा टूर्नामेंट है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, उनके साथ खेलना, उनसे सीखना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर जो उस लेवल पर रहना है, इंडिया लेवल पर खेलना है, तो उन सब से सीखना होगा, क्योंकि वो सब ये सब हैंडल कर चुके, प्रेशर हैंडल कर चुके हैं वाला। तो हमको आईपीएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हम उनके साथ
ड्रेसिंग रूम शेयर करते, मैचेस खेलते, उन सबसे सीखते। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियम, अंडर 19 के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि जब आप अनाउंस हुए कप्तान आप रहेंगे अंडर 19 टीम के, इंडिया टीम के, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि आप कप्तान होंगे? और एक और चीज की आपको क्या लगता है कि सिलेक्टर्स में आपने ऐसा क्या क्वालिटी देखा जो आपको उन्होंने बाकी प्लेयर से थोड़ा अलग किया और एक कप्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया निभाने के लिए? हाँ, उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले हमारी 3-4 सीरीज हो चुकी थी जिसमें मैं सब में कैप्टन था, और फिर मैं फर्स्ट क्लास खेलकर आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि उनको लगा कि ये थोड़ा सीनियर है तो इसको कैप्टनसी देनी चाहिए। और फिर जैसे मैंने लास्ट 2-3 सीरीज खेली थी उसमें मेरी कैप्टनसी और मेरी टीम ने अच्छा किया था, तो हम वो सारी सीरीज जीते थे, इंग्लैंड में, यहाँ बांग्लादेश आई, इंडिया में, अफगानिस्तान आई, तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, हम सीरीज जीते थे, तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया, तो सिलेक्टर्स ने शायद यही सोचा होगा कि ये वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन सही है। बिल्कुल, आई थिंक वर्ल्ड कप में जब इंडिया की टीम जा रही थी तो उनका अंडर 19 विनिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा मैचेस भी खेले थे इंडिया अंडर 19 टीम ने, जीते भी सबसे ज्यादा मैचेस थे लीड टू वर्ल्ड कप में, कंपेयर टू कोई भी और आप अगर टीम देख लें तो कंट्री, बिल्कुल किसी भी और कंट्री को देख लें। तो आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई का इसमें जो ये आइडेंटिफाई किया है कि एज ग्रुप क्रिकेट इतना इम्पोर्टेंट है, आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे बीसीसीआई को और उनके एज ग्रुप क्रिकेट को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन के लिए। मुझे तो लगता है कि मुझे बीसीसीआई को बहुत थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जब से क्रिकेट स्टार्ट किया मुझको कुछ ना कुछ मिलता रहता है बीसीसीआई से, जो एक नॉर्मल प्लेयर को नॉर्मली नहीं मिल सकता। आप अच्छा करोगे 16 में आपको जेडसीए कैंप मिलेगा, एनसीए कैंप मिलेगा, मैचेस मिलेंगे, आप 19 में अच्छा करोगे आप जेडसीए, एनसीए, फिर आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपको कुछ प्रॉब्लम है आप वहाँ जा सकते हैं, आपको उसके बाद इंडिया के इतने सारे टूर मिलेंगे आपको वर्ल्ड कप से पहले इतनी अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए जो ओल्ड कंट्री के लिए नहीं है। तो मुझको लगता है कि बीसीसीआई ने ये बहुत अच्छा सेटअप किया है, और मैं थैंक्स राहुल सर का भी बोलना चाहूँगा क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हमको, मुझको किया है उन्होंने इतना, और जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं वो, तो बीसीसीआई को थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया। जी, आपने राहुल सर पे टच किया, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइए जो आप राहुल सर के, आप इतने जो आपको उन्होंने सिखाया इंडिया अंडर 19 टीम, इंडिया ए टीम के साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया, तो राहुल भाई कैसे काम करते हैं और वो उनका क्या तरीका है प्लेयर्स को मैनेज करने का? वो एक तो सबसे अच्छी चीज है उनकी, वो एज ए फ्रेंड रहते हैं, आप उनसे कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हो और उनकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव बातें आएंगी, और वो एक चीज अच्छी सिखाते हैं कि डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैं उनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो हमेशा यही देखता हूँ कि उनकी डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है एज ए प्लेयर, और वो हमेशा पुश करते हैं प्लेयर को, हमेशा उसको बैक करते हैं हमेशा प्लेयर को कि आप अपनी टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, और आई थिंक इंडिया ए के भी कई प्लेयर है जो उनको बहुत ही ज्यादा क्रेडिट देते हैं अपने सक्सेस के लिए, श्रेयस अय्यर हो गए उनमें से एक जो अभी इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। बिल्कुल प्रेम, आपके आपके क्या गोल्स हैं आगे, आप अपने आप को कहां देखते हैं 10 साल आगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपने आपको वेयर डू सी योरसेल्फ? पहले तो अभी गोल है कि मैं कंट्री के लिए खेलूं, और फिर हर किसी का गोल होता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए हर चीज अचीवमेंट करूं, जो प्लेयर्स का गोल होता है कि मैं वर्ल्ड कप जीतूं अपनी टीम के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतूं, और अभी तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई, ये बहुत अच्छा है, ये जीतूं, तो मैं भी यही सब मेरा गोल होता है, पर अभी मेरा सिर्फ जो शॉर्ट टर्म गोल है अभी कि मैं कंट्री के लिए खेलूं। बिल्कुल प्रियम, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी हुआ, रनर्स अप होना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक हमारा जो रन था हम लोग बहुत डोमिनेंट थे और हमने बहुत अच्छा आई वुड से कि परफॉर्म किया। फाइनल में ऑब्वियसली हमारा टफ लॉस रहा बांग्लादेश के लिए, ये प्रेशर है फाइनल में पहुंचकर हारने का, ये
आपके लिए आपका पहला एक्सपीरियंस था ऐसा, और आपने कैसे डील किया इसके साथ? मुझे लगा, मुझे पूरे मैचेस में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम हार सकते हैं। पहली बात तो मुझे अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर बहुत बिलीव था, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था मेरी टीम का वो बहुत पॉजिटिव था। वो कैसे खेलते थे, वो कोई भी कंडीशन हो बोलते थे कि नहीं, उनके लिए नहीं कुछ भी नहीं था, हमेशा बोलते थे कि हम जीत कर आएंगे, खत्म बस। तो वो मुझको हमेशा, मेरी टीम जो मुझको बैक करती थी, उससे मेरा सोचने का जरिया चेंज हो जाता था मैच के अंदर। हर कोई प्लेयर कहता था मैं करूंगा टीम के लिए, और 11 नहीं, जो हमारे बाहर चार बैठे रहते थे वो भी 15, और उसके बाद जो हमारा सपोर्ट स्टाफ था वो हमेशा हमको बैक करते थे। टीम प्लेयर्स को कुछ भी नीड होती थी वो जरूर, मतलब हमके हमारे लिए पूरी करते थे। और एक अच्छे प्लेयर्स और अच्छे कैप्टन्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी टीम उसको सपोर्ट करे, उसका सपोर्ट स्टाफ उसको सपोर्ट करे। तो यही मेरा मानना था कि इतने प्रेशर कंडीशन में भी मुझको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रियम, और ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम्स में ये भी बहुत फायदा रहता है कि आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप बाकी टीमों को प्रेशर में डाल रहे होते हैं। बिल्कुल, पहले से ही होती है प्रेशर में। बिल्कुल, आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बताइए, जो अंडर 19 का अभी जब आप यंग थे तो आपने बड़े बहुत छोटा था, 11 वाला बहुत छोटा था मैंने 11 वाला याद है बिल्कुल। तो आप वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो मजा है खेलने का, वो आपको कैसा लगा? आपको मजा आया या आपको लगा कि यार यार ये बड़ा गेम है? मुझको लगता था कि जब मैं देखता था कि यार ये प्रेशर गेम होता होगा जरूर, इसमें कुछ ना कुछ होता होगा अलग, मतलब अलग से फील होता होगा, नहीं यार अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ अलग करना है। पर जब मैं खेला तो मुझको नॉर्मली फील हो रहा था, और एक अच्छा अच्छा लग रहा था कि यार नहीं, एक क्या है कि दूसरी टीम टारगेट कर रही है, दूसरी कंट्री टारगेट कर रही है हमको, और ऐसे नहीं, नॉर्मली अच्छे से। तो वो अच्छी चीज थी कि नहीं नहीं यार, हमको अच्छा एक्सेप्ट करना चाहिए इनके टारगेट को, कि भाई नहीं अभी हम कर देंगे। तो वो बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए और मेरी टीम के लिए कि हम वो वाला मैच जीते। और वो की मामूली विक्ट्री नहीं थी, बहुत बड़ी विक्ट्री थी। आई थिंक 9 विकेट से मैच जीता था, नहीं 10 विकेट से मैच जीता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जयसवाल ने सेंचुरी बनाई थी, बहुत ही बहुत जी बिल्कुल। और हर टीम में एक एक यू नो एक हसमुख सा या एक दो होते हैं जो टीम का जो एनर्जी लेवल है ऊपर रखते हैं। हमारी अंडर 19 टीम में ऐसे वो कौन प्लेयर थे जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट एक क्या करते वो थे? वो हमेशा चापुक रहते थे, हमेशा टीम का माहौल एनवायरनमेंट अच्छा रखना है उन्हें। इशू हो गया, मैं पिछला वाला क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। हमारे अंडर 19 टीम में यू नो हर एक टीम में एक एक ऐसे एक दो प्लेयर होते हैं जो हसमुख होते हैं, जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो है बड़ा लाइट रखते हैं। हमारी अंडर 19 टीम में ऐसे कौन प्लेयर थे और ये लोग क्या करते थे? रवि बिश्नोई और तिलक वर्मा दोनों बहुत मस्ती करते थे टीम में, एक अच्छा माहौल बना के रखते थे टीम का, हमेशा उनको मजाक मस्ती चाहिए होती थी और करते थे हमेशा, दोनों बहुत पॉजिटिव रहते थे हमेशा। ऐसे प्लेयर बड़े जरूरी होते हैं टीम में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि किसी भी टीम को है ना, किसी भी टीम को एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है अच्छी टीम को। तो ऐसे प्लेयर्स हमेशा टीम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, जिससे टीम का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा रहता है, सब पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, एक थोड़ा एंजॉय के मूड में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीएम, और आप ये मैं जानना चाहूंगा कि आप बहुत ही यंग ऑब्वियसली हैं, अभी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले हैं ट्रैवल करने के लिए, आपको क्रिकेट ने बड़ा कुछ दिया है। कितना कितना आप बड़े बड़े देशों में गए हैं बहुत ही यंग एज में, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्रिकेट आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग? क्रिकेट से ही मुझको सब मिला है, मेरा कैरेक्टर ही क्रिकेट है। और हर किसी की एक कैरेक्टर बोलते हैं ना, तो मेरा कैरेक्टर, मैं बोल रहा हूँ कि
नॉर्मल पर्सन को कोई नहीं जानता, और मुझे आज क्रिकेट में इतना कुछ मिला है कि मुझे सब जान रहे हैं, और मैं अपनी कंट्री के लिए कैप्टन बना। ये सब क्रिकेट से ही मिला मुझको कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं एज ए कैप्टन, और वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट में। सब क्रिकेट से ही मिला, तो मैं क्रिकेट को थैंक्स हमेशा, मुझे क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, बहुत ही कुछ दिया, जो मुझे चाहिए था उससे ज्यादा दिया। बिल्कुल प्रियम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बात करके। बहुत अमेजिंग है आप कितने ग्राउंडेड है, और आई एम श्योर आपको बहुत सक्सेस मिलेगा कि आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर अगर कुछ कहना चाहेंगे, हमारे जूनियर क्रिकेटर्स सारे जो देख रहे हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या विशेष देना चाहेंगे हमारे क्रिक शो के द्वारा? हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा कि हर प्लेयर्स को सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। बिलीव एक ऐसी चीज है कि अगर जो अपने ऊपर है बिलीव, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हर प्लेयर्स, हर इंसान के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि वो जरूर नहीं कर पाता, पर अगर जो उसके ऊपर बिलीव है उसे अपने ऊपर, तो वो हर चुनौतियां हमेशा पूर्ण कर सकता है, पूरी कर सकता है। और फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बिना फैमिली के प्लेयर्स नहीं कर सकता कुछ भी। और मैं बोलूंगा, क्योंकि जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसका भी पालन करें, ये भी बहुत जरूरी है अभी आपके लिए भी और कंट्री के लिए भी। जितना आप घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, उतना हमारी कंट्री सेफ रहेगी, आप सेफ रहोगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो मुझे लगता है कि अपने जो जूनियर्स हैं वो सब ये फॉलो करें कि अपने जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसका पालन करें, और अपने ऊपर बिलीव करें हमेशा। थैंक्स अ लॉट पीएम, आप बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको आपको हम सारे विशेष देना चाहेंगे आपके फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको इंडिया के लिए खेलता देखना चाहेंगे, और होप टू सी यू सक्सीड वेयर एवर यू आर। बहुत बहुत शुक्रिया शो करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।